धार्मिक एकता ट्रस्ट द्वारा कर्ज मुक्त भारत अभियान। धार्मिक एकता ट्रस्टना संस्थापक शाहनवाज चौधरी भारतीय जीना मार्गदर्शन हेठ भारतना तमाम राज्यों में कर्ज मुक्त भारत अभियान चाली रही है, जेना भागरूपे भारत गुजराती टीम द्वारा राज्य सरकार ने रजूआत करी प्रेसवार्ता आयोजन करायू। धार्मिक एकता ट्रस्ट द्वारा भारतना तमाम राज्यों में कर्ज मुक्त भारत अभियान चाली रही है, जेना भागरूपे अमदावाद सर्किट हाउस खाते गुजरात टीम द्वारा आ अभियान ने वधु तेज अने आ बाबते सरकार पण सजाग बने ते अंगे प्रेसवार्ता आयोजन करायो हतो, जेमा आपेल जानकारी मुजब गुजरातना 13,000 थी वधु लोग भारत अभियान में जोड़ायेला है। गुजरात में 500 जेटला कर्जा मुक्त केन्द्रों पण खोलवामां आव्या छे। सरकारी आंकड़ा मुजब छेल्ला 5 वर्ष में लगभग 50,000 लोकोए आत्महत्या करी छे। जुलाई 2022 थी चाली रहेल कर्ज मुक्त भारत अभियान अंतर्गत नाणा मंत्रालय में 7 वक्त अने पीएम कार्यालय में 2 वक्त प्रतिनिधि मंडल द्वारा कर्ज में फसायेला लोकोनी जानकारी पहोंचाड़वामां आवी छे। आरबीआई तरफ थी पण अमारा पत्रोनो उत्तर मळेल अमने मळेल छे। सरकार समक्ष अमारी फक्त एटली ज मांग छे कि सरकार द्वारा एक जाहेरात करी जनता ने जणाववामां आवे कि कर्जना कारणे कोई पण व्यक्ति आत्महत्या न करे। आ विषे राजेश्वर ब्रह्मभट्ट भारतीय वधुमां जणाव्युं कि अभियान हेठळ सरकार समक्ष एक मांग करवामां आवी छे कि अभियान में जोड़ायेला तमाम लोकोना देवा माफ करवामां आवे अने जो तेम न थई शकतुं होय तो तेओने ओछामां ओछो 2 वर्षनो समय आपवामां आवे, जेमां अदाणीनुं करोड़ोनुं देवुं बैंको द्वारा अंडर राइट करवामां आव्युं। तेवी रीते आ अभियान में जोड़ायेला तमाम लोकोनुं देवुं पण अंडर राइट करवामां आवे, जेमा ते समयगाळा दरमियान कोईपण प्रकारनुं व्याज के पेनल्टी न लागे अने बैंको द्वारा आवी रीते समय आपवामां आवे। उपरांत तेओने मानसिक त्रास न आपवामां आवे जेथी तेओ आवा आत्महत्याना अयोग्य पगला न भरे। टूंक समय में दिल्ली खाते गुजरातनुं प्रतिनिधि मंडल पीएम मंत्रालय अने नाणा मंत्रालयनी मुलाकात लेशे, ज्यां आ कर्ज मुक्ति अभियान विशे चर्चा करवामां आवशे। અમે જે પ્રમાણે મહેનત કરી રહ્યા છીએ તો આપ દેશની અંદર પત્રકાર એટલે ચોથો સ્તંભ કહેવાય, આપણા સપોર્ટ વગર કંઈ થવાનું નથી। જે રીતે અમે કામ કરી રહ્યા છીએ એ રીતે આપ પત્રકાર મિત્રો પણ જે રીતે અમને સાથ સહકાર આપશો અને નિઃશુલ્ક કર્જા મુક્તિ કેન્દ્ર માટે જન જન સુધી આપ અમારી વાત પહોંચાડશો એવી પત્રકાર મિત્રોને હું ખૂબ ખૂબ નમ્ર અપીલ કરું છું। જય હિન્દ જય ભારત। पॉलिटिकल ट्रेनर श्री शाहनवाज चौधरी भारतीय जी द्वारा चलाया जा रहा है। ये अभियान चलाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आए दिन न्यूज में आपके माध्यम से ही सबको पता चलता था, सोशल मीडिया पे हम पढ़ते थे देखते थे कि लोग फैमिली के फैमिली सुसाइड कर लेते थे, उनको फाइनेंस कंपनियां इतना परेशान टॉर्चर करती है रिकवरी एजेंट के वो सुसाइड करने पर मजबूर हो जाते थे। जून 2022 में 22 के अंत में एक न्यूज़ आया, महाराष्ट्र में पूरे फैमिली ने एक साथ में 9 लोगों ने सुसाइड कमिट कर दिया था। तब हमारे गुरु जी हमारे सर श्री शाहनवाज चौधरी भारतीय जी ने वो न्यूज़ देखी और उनका मतलब क्या बोलते अभी बोलने में भी हमको वो हो रहा है, तो उन्होंने तुरंत फेसबुक पे आए और उन्हें तुरंत बताया कि कोई कर्जे के कारण सुसाइड नहीं करेगा, क्योंकि कर्जा लिया है तो उसको चुका है, लेकिन अभी समय खराब है नहीं चुका पा रहे तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। और उन्होंने साथ ही में उनकी जो पॉलिटिकल ट्रेनिंग के साथ में वो एक कर्जे से बाहर निकलने की ट्रेनिंग थी उन्होंने बिल्कुल फ्री कर दी जनता के लिए। और ये अभियान चल रहा है तब से, हमारे पास अभी तक जुलाई 2022 से अभियान चल रहा है,
तब से अभी तक हजारों लोग लाखों लोग ये अभियान से जुड़ चुके हैं। करीब गुजरात में देखने जाए तो 13,000 से ज़्यादा लोग ये अभियान से जुड़ चुके हैं और केंद्र प्रमुख के तौर पर 500 से ज़्यादा लोग कार्यरत हैं। और पूरे हिंदुस्तान में देखने जाए भारत में 2,70,000 का आंकड़ा तो आज की तारीख में है, उतने लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो हमारी सरकार से एक ही मांग है कि वो जनता को आके बोल दे एक बार कि कर्जे के कारण कोई सुसाइड नहीं करेगा और सरकार जल्द से जल्द लोगों का कर्जा माफ़ करे, और अगर माफ़ नहीं कर सकती तो जल्द से जल्द उन लोगों को 2 साल की राहत दे दी जाए और उसमें कोई भी पेनल्टी और इंटरेस्ट ना लगाया जाए। क्योंकि अब ये देखने जाए तो जो प्राइवेट फाइनेंस वाली कंपनियां हैं उनके रिकवरी एजेंट इतने टॉर्चर कर रहे हैं, लोगों को सुसाइड करने पर मजबूर कर देते हैं। रात कभी हमारे पे कभी कॉल आती है, रात को 12 बजे 1 बजे भी कॉल आते हैं कि रिकवरी वाले अभी घर पे आए, जबकि RBI का रूल से शाम को 7 बजे के बाद कोई रिकवरी करने के लिए नहीं जा सकता। और बैंकों की भी बहुत प्रॉब्लम्स है, वो लोग नोटिस देते नहीं है, उनको नोटिस तब मिलती है जब उनका घर दूसरे दिन सील होने वाला होता है। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए अभियान चलाया जा रहा है कि लोगों को जागरूक किया जाए उनके अधिकारों के बारे में, उनके जो अधिकार है RBI से जो मिले हुए उनको अधिकार को जाने और उनको हम ऐसे गाइड करते हैं। और जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों का सरकार अंडर राइट करती है, राइट ऑफ करती है, हमारी भी वही मांग है कि अगर माफ़ नहीं कर सकते तो उनका भी अंडर राइट कर दीजिए। अभी अदानी जी का देखने जाए तो 12,270 करोड़ का, मतलब लगभग 12,500 करोड़ का लोन SBI ने अंडर राइट किया। अंडर राइट की व्याख्या क्या है आपको पता होगा कि अंडर राइट वो है कि भाई SBI अदानी जी वो लोन भर देंगे। कब भरेंगे? जब उनके पास उनकी मर्जी होगी तब। और उनके पास कोई फीस वसूली नहीं गई है, कोई पेनल्टी नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब SBI ने एक तौर पे उनकी गारंटी ली है। तो हम भी तो वही मांग कर रहे हैं सरकार, अगर बड़े लोगों के और जो आम जनता है उनके नियम अलग अलग तो नहीं। ओल्ड सर्किट हाउस शाहीबाग अहमदाबाद, यहाँ पर आए हुए सारे मीडिया कर्मियों का हम स्वागत करते हैं। धार्मिक एकता ट्रस्ट के प्रणेता, धार्मिक एकता ट्रस्ट के संस्थापक श्री शाहनवाज चौधरी भारतीय, उनके द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का नाम है कर्जा मुक्त भारत अभियान, जिसके अंतर्गत देश भर में जो भी लोग कर्जे के दलदल में फंसे हुए हैं उनको बाहर निकलने की ट्रेनिंग दी जा रही है, और उसके साथ साथ फाइनेंस सेक्टर द्वारा, बैंकों द्वारा, NBFC या रिकवरी एजेंटों द्वारा जो जनता को परेशानी खड़ी की जा रही है, हालात ऐसे पैदा किए जा रहे हैं कि लोगों को, जनता को आत्महत्या करने पर मजबूर किया जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए हम लोगों को साथ में जोड़ रहे हैं और उनकी जानकारी लेके हम वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय तक बात उनकी पहुंचा रहे हैं। और ये भी बता रहे हैं, सरकार से एक मांग कर रहे हैं कि सरकार डिक्लेयर करे, सरकार एक अनाउंसमेंट करे कि किसी को भी, जनता में से किसी को भी आत्महत्या करने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो कर्जे के दलदल में फंसे हुए हैं तो सरकार उनके लिए निश्चित ही कुछ कदम उठाएगी, ऐसा आश्वासन सबसे पहले सरकार की ओर से आना चाहिए। मैं नितेश गंगारामणि भारतीय प्रदेश प्रभारी के रूप में इस अभियान में जुड़ा हुआ हूँ। मेरे साथ हैं श्री राजेश्वर ब्रह्मभट्ट भारतीय, वो भी प्रदेश प्रभारी के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष श्री हरेश रावल भारतीय जी। अभी श्री राजेश्वर ब्रह्मभट्ट भारतीय इसकी ज़्यादा जानकारी देंगे।